ये देखो क्या शानदार लग रहा है ये। स्वाहा, ये पंडित जी हमारे हवन तैयार करते हुए। और पंडित भी हूँ मैं जात का, तो भैया स्वाहा करने में माहिर हूँ। तो ये देखिए यार क्या शानदार जंगल है और क्या खतरनाक ट्विस्ट वाले रोड है। देखिए एकदम फुल यू टर्न है ये देखिए। अरे वाह, पूरा आपको इधर से उधर घुमा दिया। और आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग देखा ही होगा, हम लोग थे चिंता वैली में और यहाँ पर जो है ना हॉर्न बहुत बजाने पड़ रहे हैं क्योंकि रोड है काफी संकरा पतला सा और व्यू है एकदम धांसू। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से जंगल में आ गए हम लोग। देखो कितना घना जंगल है और बहुत ही मस्त व्यू है। तो अभी हम जा रहे हैं जय वैली की तरफ, ये तो आपको बता ही दिया है। देखते हैं आगे अब वहाँ पर मतलब कैसा माहौल रहेगा, कैसा व्यू रहेगा, उसका आइडिया हमें नहीं है। बाकी हमने एक दो ब्लॉग्स देखे हैं और हमारी साथ जो दो गाड़ियाँ और हैं कपिल भाई और सागर भाई की, वो निकल गए आगे क्योंकि हम लोग ले रहे थे थोड़ा सा सामान, उस चक्कर में थोड़े से लेट हो गए। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और आप इंजॉय करते रहिए इन नज़ारों को। वाव यार, अभी जो है सनसेट टाइम है तो सनसेट भी होने वाला है और सूरज देखो कितना मस्त लग रहा है सामने, काफी तेज भी है, आंख पे लग रहा है सीधा। हाँ। और बहुत ही मतलब चार चांद लगा रहा है इस वक्त। चांद क्या लगाएगा, ये तो सूरज है। अरे यार अब भी ना। लेकिन आप बताओ कैसा है व्यू। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो अभी क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। आजकल मैं जो ना वीडियो के शुरुआत में कोशिश करता हूँ आपको याद दिलवाने की, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और जिसने कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, वो शेयर भी कर सकता है जी, और कमेंट तो जरूर ही करें। तो वो देखिए सामने जो काले घने बादल दिख रहे हैं उनके नीचे पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई, ये देखिए। वाव यार, अल्टीमेट नजारे। एक और तगड़ा यू टर्न। लो जी, इस यू टर्न ने तो पूरी दिशा ही परिवर्तित कर दी। बड़े बड़े यू टर्न है क्योंकि हम भी शायद हाइट पर जा रहे हैं सीधा, तीन चार हमने बड़े बड़े यू टर्न ले लिए तो लगता है आज जो है बर्फ वाली जगह में जाने वाले हैं। और मौसम खराब होता है और बर्फ पड़ती है तो हो सकता है रात को बर्फ भी देखने को मिल जाए। तो ये जो है ना एरिया खतरनाक है, मतलब डीप फॉरेस्ट है। आने से पहले सोच ले अकेले आना, मतलब आने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गाड़ी गुड़ी खराब हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। चिंता वैली से आगे तो कुछ भी नहीं है, चिंता वैली से पीछे भी नहीं थी मैकेनिक वगैरह तो मेरे को दिखे नहीं। तो भैया भाई भदरवा जो है वैसे ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, यहाँ पर बहुत ही मिनिमम वीडियोस देखे हमने यूट्यूब पे और बाकी टूरिस्ट भी हमने एक भी गाड़ी जेके के अलावा की नहीं देखी है, बस हमारी एचपी की है और बाकी सागर भाई और कपिल भाई की है और हमने कोई टूरिस्ट यहाँ देखा नहीं है कल से। वाह वाह सुंदर, ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है यार। यहाँ है ना वो पीले पेड़, तो बोल रही थी नहीं है, है ना ऊपर ऊपर। हाँ वो देखिए सामने। पीले नहीं होते एक्चुअली, ये सूख रहे हैं इसलिए। हाँ, पत्ते झड़ रहे हैं इनके। तो अभी अभी कुकु ने बोला कि येलो पेड़ नहीं है, इसने येलो की फरमाइश की, पूरी घाटी येलो हो गई। लो भाई और ये देखिए सामने, नेचर ने तुझे तोहफा दिया, तोहफा लड़की या। यही तो हमें चाहिए। और सामने रोड देखो क्या, बिल्कुल छोटा सा रोड। लो भाई यार भयंकर है ये तो रोड, ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाएं। कैसे खींचते हुए चले गए, पर हम रुक गए थे, पर हम रुक गए थे ना। हाँ भाई, तो 2 किलोमीटर बचती है चिंता घाटी और चिंता नहीं यार, चिंता बढ़ गई मेरे को ये ऊपर से लैंडस्लाइड देख के, जय घाटी। टेंशन हो रही है थोड़ी सी रोड देख के। तो ये देखिए ये पहुंच चुके हैं हम जय घाटी में, नहीं जय वैली में। ये ऊपर वो है घर गुजरों का, हाँ, है ना। हाँ। वो सामने मस्जिद भी है, वाओ दिख रही है बीचों बीच सामने, और इधर कुछ लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है भदरवा यूथ हॉस्टल करके, कुछ रूम्स है आगे अवेलेबल। और ये बड़ा मस्त बनाया है लिपाई करके, है ना, बहुत प्यारी लिपाई की इसकी, दिख नहीं रहा बहुत मस्त। ये बीच में ये आ गया ना रोड का, तो खेती भी करी है इधर लोगों ने। वाह, ये सामने है जय वैली और दो गाड़ी हमारी लग चुकी है ग्राउंड में, दिख रही है यहाँ से आपको, अभी कुछ मिनटों में दिखाते हैं। तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ लगा दी है लोकेशन पे, बीच में जा करके हम भी लगा देंगे। और वाह यार क्या मेडोज है, बढ़िया शानदार। बस थोड़ा सा रोड का ये डर,
वैसे व्यू बहुत अच्छे हैं रोड के साइड में। ये देखो, हो हो हो, बहुत सुंदर है जय घाटी यार, जय वैली। ये जय घाटी है लिखा हुआ, जय घाटी। अच्छा, तो कैमरा में तो आपको ये दिख रहा है सिर्फ सामने का छोटा सा व्यू, लेकिन हमारी आंखें जो देख पा रही है ना सभी तरफ के जंगल, ये वो बहुत ज्यादा सुंदर है सच में ही। आइएगा आप जरूर अगर जम्मू आते हो तो, कश्मीर भी जाते हो तो वापसी में जम्मू को एक्सप्लोर कर लें, या मतलब अपनी आइटनरी में जरूर रखें इस जगह को। जे एंड के टूरिज्म वेलकम्स यू, जय वैली जय घाटी। ये देखो लिखा हुआ है बहुत सुंदर। ओ भाई ये देखिए नीचे नज़ारा, मैं ये नज़ारा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रुक गया था। ये देखो वाओ यार क्या खूबसूरत है, पीछे ब्रिज भी है, फोटो शोटो लेने के लिए जाएंगे पीछे। आगे भी है ब्रिज? हाँ आगे भी है, सही बात। वाओ धुआं उठ रहा है पीछे रिवर साइड, क्या शानदार लग रहा है, मज़ा आ गया देख करके यार। ये है असली वैली, यहाँ आएगा मज़ा आज, शांत है ना। हाँ, और ये हमारे सागर भाई और कपिल भाई की गाड़ी लग चुकी है, वाह अल्टीमेट अल्टीमेट। और सागर भाई शॉट लेने के लिए दौड़ते हुए आए नीचे से ये देखो खड़े हुए ऊपर, और ये लगी है गाड़ियाँ, मजा ही आ गया। तो ये देखिए पहुंच गए हम जय घाटी में, और ये लग रही है अपनी गाड़ी, दो तो पहले ही लग चुकी है। शिवाय ये लो जी, ये है कुछ व्यू, और ये लग गई अपनी गाड़ी, और ये एक और गाड़ी हमारी। अरे भाई क्या हो गया? ये देखो ये सागर भाई की गाड़ी, बहुत ही बढ़िया। और ये कुछ व्यू यहाँ का, मज़ा आ गया। बस एक ड्रोन की कमी है, अब आपको एरियल व्यू नहीं दिखा सकते हम। ये देखो भाई शिवाय और शिवाय की मम्मा पुलिस को तंग कर रही है, ये गलत बात है भाई बच्चा, ये ना बहुत शैतान है, ये बोलता है सब मैं ही करूँगा, टेंट भी मैं लगाऊंगा। तो ये लग गया हमारा टेंट, तो हम सोच रहे हैं आज सागर भाई को कंपनी करें, सागर भाई टेंट में सो रहे हैं तो हम लोग भी टेंट में सोएंगे आज, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर इतनी ठंड में। बाकी अब आराम से बनाते हैं, खाते पीते हैं, टेंशन नहीं आज। तो ये देखो भाई आज जो है सबके सामान यूज़ होने वाले हैं, ये जो है सिगड़ी जो है अपने सागर भाई की है, और ये अपना ये लाए थे हम घर से, लेकिन हमने सोचा यार इसका यूज़ पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है इसका आज आज इसका फुल यूज़ होगा। तो पनीर टिक्के का सामान है भाई के पास, कपिल भाई के पास, अपना ये ग्रिल और सिगड़ी भाई उधर से, कंट्रीब्यूशन तगड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जी आज सोने वाले हम टेंट में, तो गाड़ी से जो है अपने गद्दे निकाल रहे हैं, उसके लिए जो सबसे पहले डब्बे निकालने पड़ेंगे फिर गद्दे निकालेंगे। चलो ये तो थोड़ा कुकिंग करने के लिए ऐसे भी निकलेंगे इस बार। हाँ वो तो है, तो आज तेरे लिए काम आसान है, आज मेरे लिए काम ज्यादा है। ये हमारा कचरा ये भी साथ में घूमता है। अरे ये अच्छा खत्म हो गया है। ये देखिए भाई ये निकल चुके हैं, बनाया और निकल पड़े। कवर इनको अब घर जाके ही लगेंगे क्योंकि इस बार टाइम नहीं लगा। तो देखिए जी ये बन गया हमारा बेड टेंट के अंदर। कुकु बोल रही थी नहीं बन पाएगा, ये देखिए क्योंकि हमारे गद्दे जो है वो है 5 फीट के 5.5 फीट के और टेंट है 6 फीट का, तो गद्दे अलग अलग है, कवर के साथ फिक्स नहीं है, तो आगे पीछे देखते हैं अब क्या होता है रात को। हाँ लेकिन मैंने बना दिया एकदम मस्त, ये देखो क्या शानदार लग रहा है, ये अपना टेंट, ये अपनी गाड़ी। अरे भाई लियाओ लियाओ चलो आजा। तो देखिए जी लकड़ी मिल गई है, और करते हैं कुछ, कर पाओगे? अरे कर पाएंगे ना, लगा मत लेना, दिख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों
तो ये देखिए जी, लाइट वगैरह हमारी हो गई ऑन और टेंट रहा यहाँ पर, तो मुंह में से तो धुआं निकल रहा है। अभी टेम्परेचर होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री के आसपास। हाँ आराम से। तो ये कपूर की टिकिया रख रहे हैं इसमें हम। तो भाई पूरा कारवा हो गया रेडी, सब बैठ गए, बीच में बोनफायर ऑन है, मतलब अभी बाइक चलाएंगे। वाइड एंगल में कर देना भाई। एक बोनफायर के लिए इधर 3-4 कैमरे ऑन हो चुके हैं। अब स्वाहा, ये पंडित जी हमारे हवन तैयार करते हुए, और पंडित भी हूँ मैं जात का, तो भैया स्वाहा करने में माहिर हूँ। वाह भाई, ये देखिए यहाँ पर जो है अपनी बोनफायर लग गई, और सागर भाई ने लाइट क्या जलाई इधर, तो ऐसा लग रहा है दिन हो गया। बहुत ही बढ़िया। मनसा आग है, आ रहा है से कुछ, अभी तो आग जली नहीं अच्छे से, बस मनसा के लायक ही यही है तो। और बाकी हम भी इधर अपना सेटअप करते हैं रेडी, हम भी थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, भूख तो है नहीं। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा यार, सब मतलब ठीक राजमा चावल खा के, और भाभी जी ने जो उत्पम बनाया था उसके साथ फुल हो गए हैं सब, तो लाइट लाइट ही बन रहा है सब कुछ। चलो भाई, अपना भी सेटअप थोड़ा सा रेडी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी सागर के भाई के पास साथ चलेंगे। चलो भाई, लेके आना है पानी, लेके आएंगे हम, आपको दिखाते हैं। इधर से आ भाई, तो ले जाओ ना अपना घर पर। अरे हाँ यार रुको भाई, अरे दिमाग ही नहीं है। हाँ ये सुबह भर लेना। अच्छा पानी एक बार इसी में से पी लेना, टांग दूंगा इधर किधर ऐसे करके। अच्छा कितना लीटर आएगा इसमें? 10 लीटर। अरे 10 लीटर बहुत है फिर। हाँ चलो, तो अपन ने किया कैंसल, सागर भाई का 10 लीटर है बहुत है। तो ये राजी हेडपम्प, तो चलो मारते हैं जरा। कहाँ से भरेगा? मैंने अभी अभी लिया, यूज नहीं किया ना, ना। अरे भाई आप भी अभी लिया है, फ्रंट तो इसका यही दिख रहा है। तो यहाँ क्या, ये निकलने का है ना, है? जाता भी यहीं से होगा पानी भाई, ये खुलेगा? नहीं, नहीं, इससे तो क्यों जाएगा, तो रिवर्स थोड़ी भरेगा इसमें पानी। यहाँ से ही कुछ इसका होगा सिस्टम। एक मिनट, ये सील है कि क्या है? ये तो पैक है, यहाँ पे तो नेट भी नहीं। हाँ इधर दिखा हुआ, ये खुलता है ऊपर से। ऊपर से ना? हाँ हाँ, कैसे खुलेगा फिर देखते हैं। ये कैसे मुँह खुलेगा ये होगा, एक मिनट पकड़ना। तो भाई इसको समझते समझते हमें लगे 10 मिनट और ठंडे हो गए। भाई ये नया लिया सेटअप। हाँ। और ये सेटअप काम आता है कि अगर किसी को कुछ हैवी नहीं उठाना तो। हाँ। इसके अंदर पानी भर लो जाके जिधर भी कैंपिंग कर रहे हो, बट इसको भरने में ना अभी ये हैवी होगा, 10 लीटर पानी होगा इसमें। चलो चले भाई इसको लटका के। हाँ। कहीं भी। तो भाई सागर भाई ने बढ़िया जुगाड़ बताया, हम भी ट्राई करेंगे इसको लेने का, देखते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा मगजमारी लगी थोड़ी सी हो गई, लेकिन अब समझ आ गया, अब टेंशन नहीं है। डीकैथलॉन का सारा ही सामान मजबूत है। हाँ बहुत बढ़िया है भाई। तो हमारी आग बुझ चुकी है और यहाँ पे जो है लकड़ी काटी जा रही है। भैया ले आए छोटा सा फैन यहाँ पे हवा देने के लिए ताकि आग जल जाए। आपकी फूक बच गई, जल गई। क्या फूक बच गई आपकी? हाँ यार ऑक्सीजन भी बचा ली। सही है। अरे वाह, ये भी लेना पड़ेगा एक भाई, ये आपकी आइटम लाई, रखो इसको। अरे और रखो अभी। तो ये देखो जी, इधर जो है मैगी बनेगी, वेज मैगी, और कोयले लेकर आए घर से, पनीर टिक्का बनाएंगे। ये देखिए आप उल्टा कर रहे हो क्यों? उसके अंदर जाली ऑलरेडी नीचे। कॉमेडी हो गई। चेक आ जाते हैं क्या? ना भाई, ऊपर ये जाली ऑलरेडी है। मनसा टेस्ट कर लो, खट्टा तो नहीं है? आप देखो यार, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम बन रहा है। अभी क्या बन रहा है भाभी जी? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बन रहा है, तो सबसे पहले पनीर टेस्ट करते हैं, खट्टा तो नहीं है? कपिल भाई इसको देना। अच्छा है, ठीक है। शिवाय शिवाय, तो शिवाय दिखाएंगे आपको जब यहाँ। ये देखो ये सिगड़ी सागर भाई की, तो इसमें जलाते हैं इसको। तो यहाँ पर जी मैगी बनने जा रही है, वेज मैगी। तो ये तो काटी नहीं तूने? काटेंगे, ऐसे डालेंगे। तो ये देखो शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, और हमारे पास है प्याज, मिर्च, लहसुन। अरे लहसुन भी जाएगा आज मैगी में है। आधी हो गई, दो सामने दिख के तो मैंने काट दी। तो चलो दिखाते हैं आपको भी, बाकी वो मैरिनेट करके रखा हुआ है, पनीर टिक्का बनेगा इधर। पतीला जो है बिल्कुल मैक्स लेवल का है, क्योंकि बंदे भी इतने ही हैं, तो भाई मैक्स लेवल का पतीला चला हुआ है।
ये लो जी सब डल चुका है, अब इसमें पानी डालेंगे और मसाले डालेंगे, मतलब मैगी मसाला, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे फिर डालते हैं मैगी। ये लो जी, अरे भाई ये लो एक ही काफ़ी है, लगा लो पंखा। ये लो ये हो रहा है जी, कोयले रेडी और अब बनेगा इस पे पनीर टिक्का। पहले बढ़िया जल रहा था सब कोयले। तो आग तो जल गई अच्छी और कोयले भी हैं, तो दोनों तरफ ही बनेगा, फटाफट हो जाएगा। पर टिक्का गिर जाएगा भाई, अब ये पिघलने लग गया पनीर। शूट के चक्कर में ना भाई टिक्के की ऐसी तैसी कर दी आपने। तो भाई वो एक मिनट साफ है, वो तो उसने कटिंग करी थी बेटा, देख लो खुद ही पनीर पनीर कट करके रखा था उसमें। हां 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 बेटा हां, ग्लव्स खोल ले चेरी अब तेरे गंदे। तो मैगी बनके रेडी हो गई है, तो सब लग पड़े भाई खाने फटाफट, तो हम भी खाते। और मैंने यहाँ पर ये कुछ लाइटें वगैरह लगा दी, अपना थोड़ा सा लाइट और बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा लाइट उतना अच्छा। तो चलिए भाई खाते हैं मैगी, और तब तक जो है हमारा पनीर टिक्का भी रेडी हो जाएगा। अंदर से कच्चा रहेगा ना उसके हीट के करके। तो ये देखिए ये बन चुका है पनीर टिक्का, देखते हैं कैसा बना है। उधर ले जा थोड़ा, इसको उधर ले जा। है नमक तो थोड़ा सा कम है, पर है सागर भाई यहाँ पर तो मिलावट चल रही है भैया। क्या गलत बोल रहे हो आप? नहीं नहीं है नमक, है कम है। ऊपर का मसाला है ना देखो, ये वाला इस पे है। तो सही अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा नमक डालो इस पे डल जाएगा। ये देखो अब दूसरा राउंड जो है कुकू कर रही है भाई, देखते हैं क्या करती है। तो देखते हैं, वैसे तो बहुत टेस्टी बना है, मज़ा आ रहा है खाने का। ये देखो तो ये देखिए भाई बोनफायर को पूरा ख़त्म कर दिया हमने, सिर्फ एक डंडा बचा हुआ लकड़ी का, तो इसको भी थोड़ा सा जला रहे हैं अभी। और ये पंखे ने बहुत साथ दिया, नेक्स्ट ये पंखा लेना ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये पंखा बहुत काम की चीज़ है। बाकी ये अपनी गाड़ी, ये सागर भाई की गाड़ी, तो सभी सोने की तैयारी में। और इधर तो ऑलमोस्ट पैकअप हो चुका है, भाई जा रहे हैं अंदर। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। हाँ भाई कैमरा मत भूल जाना बाहर। नहीं नहीं, और इधर अपना टेंट लगाए, तो थोड़ी देर जो है फ़ोटो शोटो लेने हैं, देखते हैं अगर कुछ आता है तो करते हैं कोशिश, और फिर सोते हैं आराम से, फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। तो ये देखिए जी गाड़ी में जो है बर्फ जम चुकी है, और हमारे टेंट में भी, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा जम गया है, ये देखो पूरा जम गया। अभी तब तो हम सोए भी नहीं, तो माइनस में टेम्परेचर पहले ही हो गया। और सागर का भाई का भी जो टेंट है, मतलब टेंट गाड़ियाँ अपनी जो भी है सब जम चुका है, तो अब फटाफट घुसते हैं टेंट के अंदर, नहीं तो इधर बाहर ही जम जाएंगे आज हम भी, और सामान पड़े हैं इधर ही। और आज हमने डिसीजन लिया है टेंट में सोने का, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। कैसा है अंदर, कैसा है? अरे भैया क्या बताएं ब्लोर लाएं ब्लोर। तो दोस्तों टेंट के अंदर घुस गए, और कंबल ढक के कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है, अब उतनी ठंड नहीं लग रही है। तो मतलब वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अभी जो है सही लग रहा है। फ्लैश बुझ गई, पता नहीं क्या हुआ, शायद बैटरी लो हो गई इसलिए फ्लैश इसकी बंद हो जाती है। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, काफ़ी हालत ख़राब है, और सुबह बताएंगे आपको कि कैसा क्या हाल होंगे, वो सब मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करें। हाँ कमेंट जरूर करें, ठंड में समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है, या जो आप कर सकते हो कर दो। बाकी टाटा बाय बाय, और सुबह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा देखने को नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।